हरे कृष्णा राजस्थानी तीतवार रेसिपी में देखिए, मैंने एक अचार बनाया था बेगत तेल का, वो भी केरी का, कच्ची केरी का अचार बनाया था। तो कई लोगों ने कमेंट करे कि आपने धूप में नहीं दिखाया, हमारा अचार ख़राब हो गया। तो ये देखिए मेरे पास इतना अचार बचा है भाई, मैंने ज़्यादा केरी नहीं डाली थी। और आप अगर अचार को नहीं संभालेंगे तो आपका ख़राब होगा। तो देखिए मेरा अचार तो ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि मैंने ताक में रखा था, वहाँ पे धूप ही आ रही थी। ये देखिए, ये कोई अचार ख़राब नहीं हुआ है, और आपने कुछ गलती करी होगी इसलिए आपका अचार। और ये मैंने हींग वाला अचार बनाया था, हींग ज़्यादा हींग डाली थी मैंने, ये हींग वाले अचार बोलते हैं इसको। तो ये देखिए ख़राब नहीं हुआ, आप संभालते रहिए अचार को, हिलाते रहिए, तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। अभी मैंने ऐसा ही, मैंने वीडियो नहीं डाला, मैंने बगैर तेल का अचार डाला है मिर्ची वाला, उसको भी हिलाओगे नहीं तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए अब बहुत खट्टा है, तो अब ये थोड़ा सा रह गया, बाकी तो खा लिया है थोड़ा थोड़ा, इतना ही लेते हैं इसको, इतना ही खा पाते हैं बस। सब्जी के साथ रख लेते हैं तो मुँह साफ हो जाता है, पेट में आफरा वगैरह नहीं आता है। तो ये देखिए गल गई है केरी, और ऐसे ही गल जाती है तो केरी। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा गुड़ डालूंगी, बच्चे खा लेंगे, मीठा खट्टा मीठा लगेगा। देखिए अचार मेरा ख़राब नहीं हुआ है, और ये इतना बढ़िया टेस्टी भी लग रहा है। तो इस तरीके से आपके अगर अचार ख़राब हो जाता है, आप संभालते नहीं, ऊपर पर फफूंद आ जाती है, उसको हटा के उसको अच्छे से साफ़ करके, इसको किनारी किनारी पे भी आ जाती फफूंद, उसको भी आप साफ़ कर सकते हो। तो इस तरीके से अब मैं इसमें गुड़ डालती हूँ। देखिए गुड़ लिया है मैंने, 100 ग्राम गुड़ डालूँगी इसमें, तो और भी मज़ेदार बन जाएगा, और भी अच्छा लगेगा अचार। केरी का अचार में गुड़ का तो बहुत अच्छा आता फ्लेवर। तो इतना सा रह गया है तो मैं इसमें गुड़ डाल देती हूँ, और ये बिल्कुल भी फफूंद नहीं मारेगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से रखा है कि मुझे दिखता रहे, तो कभी इसको हिला सकते हैं, हाथ में लेके देख सकते हैं अचार हमारा ख़राब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए खट्टा मीठा हो जाएगा, और बच्चे बड़े शान से खाएंगे इसको। तो देखिए राधे राधे हरे कृष्णा। ये देखिए मैंने गुड़ बगैर तेल का अचार अब गुड़ वाला बना दिया है। तो आप ज़रूर इस तरीके से, आप पूछ लेना कमेंट करके, कभी कभी कोई चीज़ मैं भूल जाती हूँ। तो इस तरीके से देखिए खट्टा मीठा अचार हो गया, देखिए चटनी के जैसा लग रहा है। इसमें लौंग भी डाली थी मैंने, इसको धूप में रख देंगे, क्योंकि गुड़ डाल दिया है हमने इसमें। तो गुड़ डालने के बाद इसको थोड़ा सा धूप में रखेंगे, पिघल जाएगा ये। तो इस तरीके से आपका अचार ख़राब हो गया, तो थोड़ा आपने पानी वानी कुछ ना कुछ ख़राबी होगी, नहीं तो वैसे अचार ख़राब ही होता है। आप हिलाते रहिए उसको अचार को, कोई सा भी अचार हो आप उसको देखते रहिए, देखे बिना अचार ख़राब हो जाता है। तेल का अचार भी ख़राब हो जाता है, फफूंद आ जाती है ऊपर ऊपर, नहीं संभालोगे तो। इस तरीके से ढक्कन लगा के टाइट, और इसको धूप में रख देंगे। देखिए अभी तक भी ख़राब नहीं हुआ मेरा अचार, देखिए ये हींग वाला अचार है, बिगत तेल का अचार है,